तो नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि हमारे पास कोई भी मतलब लैपटॉप आता है, अगर हम उसमें विंडो डालना चाहते हैं तो विंडो डालने के लिए सबसे पहली बात ज़रूरी होती है कि उसको बूटेबल कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि जो पेन ड्राइव आती है ना, इस पेन ड्राइव को हमको पहले बूटेबल बनाना होता है। जब ये पेन ड्राइव बूटेबल मोड में हो जाती है तभी आप किसी भी लैपटॉप में विंडो डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसे विंडो को नहीं डाला जा सकता। विंडो कोई ऐसा कॉपी पेस्ट करने वाला आइटम नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया कोई ऐसा डाटा है, वो एक इंस्टॉलेशन डाटा होता है। जब इंस्टॉलेशन डाटा होता है तो उसको बूट मोड में ले जाना होता है। बूट मोड में ले जाने के लिए क्या होता है, एक हमारा सॉफ्टवेयर आता है, एक रूफ़ुस सॉफ्टवेयर आता है, उससे भी हम बूट मोड में ले जाते हैं। और उस रूफ़ुस सॉफ्टवेयर से एक बहुत अच्छा बेस्ट सॉफ्टवेयर आता है, पावर आईओएस सॉफ्टवेयर आता है। बाकी रूफ़ुस सॉफ्टवेयर से अगर आप किसी भी को मतलब किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल मोड में ले जाना चाहते हैं तो बूटेबल मोड बन भी जाता है, कभी कभी नहीं भी बनता है। लेकिन पावर आईओएस से मैं आपको कहता हूँ 100% जितने भी सारे पेन ड्राइव को अगर आप बूटेबल मोड में बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। विंडो को बूटेबल मोड में पेन ड्राइव को बनाने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको गूगल से पावर आईओएस को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे गूगल खोलने के बाद आप यहाँ पर गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है पावर आईओएस। 64 बिट का अगर विंडो हो तो 64 बिट का कर लीजिए, 32 बिट का विंडो हो तो 32 बिट का कर लीजिए। इसमें देखो लिखा है क्रिएट बर्न माउंट एडिट। क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड कर सकते हैं, इसके अंदर इतने सारे कर सकते हैं। तो हम लोग इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, बूटेबल मोड में इसको बना लेते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। जब इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने पर आपके स्क्रीन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से ये पावर आईओएस सॉफ्टवेयर आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास पेन ड्राइव है, ये 32 GB की पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को हम लोग अपने सिस्टम पर लगा देंगे। सिस्टम पर लगाने के बाद फिर आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जा करके आप अगर देखेंगे तो आपके पेन ड्राइव इस तरीके नॉर्मल मोड में शो हो रही है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देना है ताकि आपको पेन ड्राइव बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, खाली हो जाए, साफ़ हो जाए। ये हमने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लिया है। ओके कंप्लीट, हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर हमको क्या करना है, पावर आईओएस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ये पावर आईओएस सॉफ्टवेयर जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ये ट्रायल वर्जन के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक 0 ना लिख के हाईलाइट ना हो जाए, आप कंटिन्यू करें। ट्रायल वर्जन खुल गया। ट्रायल वर्जन खुलने के बाद ये मैं आपके सामने इस तरीके से लेकर के आता हूँ, ये पीछे डबल खुल गया है तो इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ। इसमें आप टूल्स में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद सबसे नीचे ये देखो ऑप्शन आता है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। क्या लिख करके आता है, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। अगर देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख करके आए क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यस करेंगे, फिर हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यू ट्रायल वर्जन लिख करके आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा लिख के आ गया क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, लिख के आ गया, मतलब बूटेबल यूएसबी ड्राइव करने के लिए बोल दिया। अब हमको इसमें अगर विंडो 7 बनाना है या 10 बनाना है, अगर हमको विंडो 7 बनाना है तो विंडो 7 की इमेज को इसके अंदर लोड कर देंगे, अगर विंडो 10 बनाना है तो विंडो 10 की इमेज को लोड कर देंगे। विंडो 7 या विंडो 10 की जो इमेज होती है वो भी हम लोग गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोल्डर जैसा ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बोलेगा कि विंडो कहाँ पर है, तो अगर विंडो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे, डी में जाएंगे। डी में जाने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन ऊपर नीचे करके देखेंगे, कहीं विंडो 7 की इमेज पड़ी होगी। जहाँ पर विंडो 7 की इमेज पड़ी होगी उसी विंडो 7 की इमेज में देखिए लिख क्या रहा है, विंडो 7 ऑल वर्जन दिख रही है, ये इमेज पड़ी हुई है। इस इमेज को हमने सेलेक्ट करके हमको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो विंडो 7 की जो इमेज है ये हमारी स्क्रीन पर लोड हो गई है। उसके बाद लिस्ट यूएसबी हार्ड ड्राइव में हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। टिक करने के बाद हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। इधर को लिख क्या था, ऑल डाटा आई ड्राइव विद ओवरराइट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके।
ये हमारा बूटेबल होना चालू हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट करने के बाद फिर ये बूटेबल मोड में जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर यूएसबी ड्राइव राइटिंग 0% है। अभी जब चालू हो जाएगा तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% कितना होता जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। आप वेट करें, जैसे इसमें टाइमिंग बोल रहा है कि 16 मिनट का समय लगेगा तो 16 मिनट तक का वेट करेंगे। अभी मैं आपको जब ये बूटेबल हो जाती है तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये बूटेबल मोड में हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे चेक करेंगे। दूसरी बात का ये हमारी पेन ड्राइव बूटेबल मोड में गई कि नहीं गई, ये भी मैं आपको लैपटॉप में चेक करके बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे लैपटॉप में विंडो का इंस्टॉलेशन किया जाता है, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये हमारा 23% तक हो गया है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। ये हम लोग जब तक वेट करेंगे जब तक ये पूरा 100% तक नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे रेडी हो जाएगा तो ओके लिख जाएगा, ठीक है, लिख लिया राइटिंग यूएसबी कंप्लीटेड सक्सेसफुल, ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्लोज का ऑप्शन दे देगा, क्लोज कर दीजिए, क्लोज करिए। उसके बाद फिर माई कंप्यूटर में जाइए, अगर आप देखेंगे तो इसमें विंडो जैसा लोगो बन के आ जाएगा। ये देखिए विंडो जैसा आइकन बन के आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा पेन ड्राइव कैसा हो गया, बूटेबल हो गया। अगर आप इसको खोल के देखना चाहेंगे तो ये देखिए लिख करके आ जाएगा, ये सेटअप, सेटअप जैसा ऑप्शन बन जाएगा, ऑटो रन हो जाएगा, आपका बूटेबल हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। सिस्टम को बंद करें, सिस्टम को बंद करने के बाद, सिस्टम को शट डाउन करने के बाद पेन ड्राइव लगा करके आपको इसको बूटेबल मोड में ले जाना होता है। बूटेबल मोड में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को बंद हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में पेन ड्राइव को हमको क्या करना है, हमारे सिस्टम में पेन ड्राइव को लगा देना है। जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा तो सिस्टम शट डाउन होने के बाद तभी हम पेन ड्राइव को लगाएंगे। जब लाइट बंद हो जाएगा, सारा लाइट बंद हो जाएगा, हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया। जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया तो उसके बाद आप पेन ड्राइव को लगाएं। ये हमारे पास HP G4 लैपटॉप है, इसका जो बूट की होता है वो होता है F9। कौन सा होता है? F9, ये वाला बटन है F9, इसको प्रेस करना है। लेकिन हर एक लैपटॉप का बूट की अलग अलग होता है, जैसे एसर का है, लिनेवो का है, डेल का है, सबका अलग अलग बूट की होता है, मॉडल के हिसाब से बूट किया जाता है। किसी के फंक्शन के साथ में F2 होता है, F3 होता है, F10 होता है, 12 होता है, कुछ भी होता है, लेकिन इसका बूट की F9 है। अगर आपको किसी भी लैपटॉप का बूट की नहीं पता है तो आप YouTube में या Google पे उसका डाल दीजिए कि जैसे HP G4 बूट की, तो बता देगा क्या बूट की है, तो उससे आप बूटेबल मोड में उसको ले जा सकते हैं। जैसे हमने इसको चालू किया, ऑन किया, ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, F9 बटन को प्रेस करेंगे। ऐसे F9 बटन को प्रेस करते रहेंगे, देखिए देखिए हमारा बूटेबल मोड में चला गया। ऊपर लिख के आ गया स्कैन डिस्क, इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये देखिए स्कैन डिस्क लिख के आ गया। आप स्कैन डिस्क में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ये देखिए विंडो इज लोडिंग फाइल, मतलब हमारा पेन ड्राइव बूटेबल मोड में चला गया है, हमारे में विंडो इज लोडिंग फाइल चालू हो गया, इसमें विंडो इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। स्टार्टिंग विंडोज क्लिक करके आएगा, हमारा पेन ड्राइव बूटेबल मोड में जा चुका है। इस पेन ड्राइव को हमेशा विंडो डालने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। विंडो डालने का 150-200 रुपये या 300 रुपये मिनिमम चार्जेस लिया जाता है, और हम जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं अपने सारे स्टूडेंट को विंडो डालना सिखाते हैं, ताकि वो मोबाइल फ़ोन के साथ साथ विंडो भी डाल करके एक अच्छा काम कर सकें, या खुद के सिस्टम में कभी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती तो डाल सकें। इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड, ऐसा सेटअप हमारा खुल जाएगा। सेटअप खुलने के बाद
सेटअप खोलने के बाद वो बोलेगा, जैसे x86 लिखा है तो इसका मतलब होता है ये 32 बिट है, जहाँ पर 64 लिखा है तो 64 बिट है। हम लोग जो मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं विंडोज 7 अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट, मैं विंडो को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, फिर कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद ये देखिए हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क सी ड्राइव डी ड्राइव दो ड्राइव में बना हुआ है। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको जाएंगे ड्राइव ऑप्शन में जाएंगे, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो जितने भी हार्ड डिस्क हैं सारी एक साथ जुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद आपको पार्टीशन क्रिएट करेंगे न्यू में जा करके, अगर फॉर्मेट करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। हम इसको फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे में ऑलरेडी इसमें विंडो इंस्टॉल है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको विंडो इंस्टॉलेशन का पूरा आपको सेटअप भी बता दिया है। बस यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पेन ड्राइव बूट है। जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि किस तरीके से हमारे पास जो विंडो आती है उसको बूटेबल मोड में बनाया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको आज मैंने आपको जो बताया है जिसमें विंडो को बूटेबल मोड में कैसे बनाया जाता है, पेन ड्राइव को कैसे बनाया जाता है, ताकि हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट जो सीखते हैं वो उनको विंडो की इस तरीके से पेन ड्राइव अपना बना करके ले जाते हैं, और जब भी अपना दुकान खोलते हैं, अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना वर्किंग करते हैं, तो उनके लिए इंस्टॉलेशन के लिए बहुत अच्छा जरिया होता है। ये 250-300 रुपए के पेन ड्राइव आता है, इसको हम बूटेबल मोड में बना करके रख लेते हैं। अगर हम अपनी शॉप के आगे लिख लेते हैं कि विंडो इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाता है, तो 200-300 रुपए लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, विंडो डलवा करके चले जाते हैं। उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लगता, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है कि एक पेन ड्राइव ले लिया उसके बाद ज़िंदगी भर विंडो डालते रहेंगे, 200-300 रुपए आराम से कमाते रहेंगे। अगर आप महीने में 2-4-5 भी विंडो डालते रहते हैं तो आपका काम होता रहेगा, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। दूसरी बात क्या है, आप अपने जो आपका रिपेयरिंग का शॉप है, जो आपका वर्किंग का शॉप है, उसमें आप जितना ज़्यादा काम करते रहेंगे लोग आपके पास उतना ही काम लेकर के आएंगे, और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, या और भी कोई चीज़ अगर आप मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, इस तरीके से ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ हेल्प चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये 3 स्टूडेंट हैं, इनका बैच अपना समथिंग कम्प्लीट हो चुका है, और बैच कंप्लीट होने के बाद आज ये पेन ड्राइव लेकर गया है, तो इन्होंने बोला कि सर हमको हमारा विंडो को बूटेबल मोड में बना दीजिए। और दूसरी बात क्या है, तो हमने कहा बनाने के साथ साथ तुमको सिखा भी देता हूँ और ये वीडियो भी बना देता हूँ, ताकि आप जैसे स्टूडेंट हैं, जो ऐसे भाई हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोग बूटेबल मोड में नहीं कर पाते, तो उनको शायद इसके द्वारा बहुत हेल्प मिलेगी। या इन लोगों ने भी जो वीडियो देख रखा है, कल को अगर दिमाग से स्किप हो गया कि भाई हम नहीं बूटेबल बना सकते, तो वीडियो को देख करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास देवानंद है, आप देवानंद बताइए कि आप क्या क्या सारी चीज़ें सीख चुके हैं। मेरा नाम देवानंद कुमार यादव, मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगभग 2 महीना हो गया यहाँ आए हुए, 2 महीना मैं काफ़ी चीज़ सीखा। इसके पहले मैं फ्रेशर था, मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में मैंने कुछ भी नहीं जाना था, इसके वजह से मुझे 2 महीने लग गए। बाकी जो ट्रेंड लड़के आते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आते हैं, वो 45 दिन या 1 महीने में काफ़ी नॉलेज ले लेते हैं, जिसके वजह से मुझे 2 महीने लगा, लेकिन जितना उम्मीद था उससे अच्छा सीखा हूँ और अच्छा करूँगा, इसके लिए सर को धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी बात है कि इन्होंने सीख करके अपना अपना बिजनेस करना है। सबका, लोगों का मोटिवेशन यही होता है कि भाई हमको अपना काम करना है, अपना वर्किंग करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी होती है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर ट्रेनिंग होती तो ट्रेनिंग होने का मतलब क्या रहता है कि भाई हमारे हाथ पैर मजबूत हैं, हम कोई भी काम करेंगे तो हमको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे पास विपिन है। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं भी बिहार से हूँ। मेरा भी लगभग 45 दिन हुआ है यहाँ पर आए हुए। मैं भी बहुत सारा काम जान चुका हूँ मोबाइल रिपेयरिंग में। मैं भी पहले कुछ नहीं जानता था मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, लेकिन यहाँ आने पर मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला। मैं अपना दुकान शॉप डाल सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं डाल सकता। मुझे बहुत सर का धन्यवाद। तो बहुत बहन जी, तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तो मैं आपको एक और स्टूडेंट है जिनसे मिलाता हूँ, परवेज खान, और जिन्होंने भी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स समथिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है, और अपना कंप्लीट कर लिया है उसके बाद ये मेरे पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर अपना 1 तारीख से लेकर इनका 5 तारीख तक जाना होगा, ताकि फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। सर आप बताइए अपने बारे में ज़रा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज और मैं डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर से हूँ। दोस्तों बात की जाए, यहाँ आने से पहले मैं भी मुंबई जैसे शहर में समथिंग 4-6 महीना एक जगह काम किया, फिर गांव पे मतलब जब प्लानिंग बनाया कि इस लाइन में आने के लिए काम करने के लिए, तो गांव पे भी 6-4 महीना समझो कि हम लोग गांव पे ही बिताए। उसके बाद फिर गांव पे मतलब जम नहीं रहा था, तो फिर हम सोचे कि जाके कहीं बाहर काम करते हैं। तो फिर हमने बाहर भी गया, वहाँ पर देखा 4-6 महीना वहाँ भी काम किया, लेकिन काम करने में जम नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों मतलब उतना नॉलेज नहीं था हमको, इसलिए काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर रही बात कि सिखाने वाला कोई अपना उस तरीके से नहीं सिखा रहा था, इसलिए बहुत दुख हो रहा था कि क्यों ना सोचे कि कोर्स ही कर लिया जाए मोबाइल रिपेयरिंग का। तो इसलिए एक दिन ऐसे खाली था मैं, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था कि मोबाइल रिपेयरिंग मतलब सीखने के लिए कहाँ पे जाएँ, कौन सा जगह अच्छा रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो हमने यूट्यूब पे सर्च मारा, तो ये ईटेच नाम से जो यूट्यूब चैनल आया था जो राघवेंद्र सर अस्तोस्ती है, तो उसमें मैं वीडियो देखा, काफ़ी डीपली नॉलेज है उसमें, जैसे मोबाइल फ़ोन के बेसिक कंपोनेंट वगैरह हो गए तो इसका था। तो हमने देखा वीडियो, हमको अच्छा लगा, समझ में आया, तो फिर हमारे दिमाग में एक थॉट पैदा हुआ कि क्यों ना जब इस लाइन में हम काम कर रहे, तो आधी अधूरी जानकारी से काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, कस्टमर कोई प्रॉब्लम दूसरा लेके आता है और उसमें प्रॉब्लम हम दूसरा खड़ी कर देते हैं, तो हमें क्या रहता है, हमारे मार्केट में इससे बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए कि क्योंकि अगर कोई आदमी आता है काम करवाने के लिए, अगर मोबाइल उसका प्रॉब्लम कुछ और है, हमने प्रॉब्लम उसमें कुछ और कर दिया, तो मार्केट में जो लोग को आना रहेगा वो भी आदमी उसको भड़का देता है। तो इसलिए मैं सोचा कि जब इस लाइन में हमें काम करना है तो क्यों ना थोड़ा अच्छे से नॉलेज लेके बढ़िया से काम करें। तो इसलिए मैंने सर से बात किया, नंबर निकाला सर की साइड से, यूट्यूब चैनल के साइड से नंबर निकाला, उसके बाद मैं बात किया सर से, तो सर बोले ठीक है आ जाओ। फिर यहाँ तक आने में समथिंग कम से कम साल भर समझो कि दरमियान बातचीत हो रहा था। उसके बाद फिर मेरे पास पैसा नहीं था कोर्स करने के लिए, तो फिर मैं मुंबई जैसे शहर में गया था पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे आठ महीना या दस महीना समथिंग था मैं वहाँ पे, पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उसके बाद फिर मैं घर आया, घर आने के बाद 10-15 दिन घूमा टहला, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी मेरा डाउट था, भ्रम था, वो सब दूर हो गया है। अब मैं पहले से बहुत अच्छा नॉलेज हो गया है, अब मेरा सोच यही है कि अपना खुद का दुकान करना है, किसी की दुकान पर रह के काम नहीं करना है, क्योंकि किसी दूसरे की दुकान पर रह के काम करना बहुत भारी पड़ता था, 10 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी देना पड़ता था, तो अच्छा नहीं लगता था किसी के अंडर में काम रह के करने। बस यही कहना चाहूँगा दोस्त कि सब सुनिए सबकी, उसके बाद करिए अपने मन की वाली, इसलिए बाकी सो थैंक्स। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपने बारे में सारा सब कुछ बताया हुआ है, और इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट हैं जो उम्मीद लेकर के आते हैं अपना पूरा कंप्लीट कोर्स का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से एक ही बात, मैं आपको 100 बात की एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो इस बात का मैं आपसे ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा के ही भेजूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात क्या होता है, मेरा खुद लाइफ का खुद एक मोरल है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे इस लाइन में 17 साल हो गए ट्रेनिंग कराते कराते सिखाते, तो कहते नहीं कि ज़िंदगी का एक अभिन्न ऐसा हिस्सा हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ मेरी लाइफ अगर 35 साल की है, तो मुझे 17 साल हो गया मैंने अपने इस पूरी ज़िंदगी का, मैंने आधा हिस्सा अभी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के काम में मैंने दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस लाइन में जितने भी सारे जो भी पर्सन जुड़े हैं वो सीख करके अपने बिजनेस को स्टार्टअप करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर दुनिया जान से अगर बेरोजगारी को तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन मैं अपने द्वारा जो भी हो सकता है मैं बेरोजगारी का एक ऐसा जरिया पैदा करूँगा जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके और लोगों के हाथ में रोज़गार हो। आदमी दुनिया जान में वही आदमी अच्छी तरीके से सफल होता है जिसके हाथ में कोई एक एक्टिविटी होती है या कोई एक हुनर होता है। जो हुनर आदमी होता है कभी उसका बेकार नहीं जाता, कभी जाया नहीं जाता, वो हमेशा उसकी ज़िंदगी पर काम आता है, उसकी वजह से मार्केट में काम करता है। हुनरमंद ही आदमी ये कह सकता है कि भैया इस चीज़ को ठीक करने का 150 रुपये लगेगा, मैं 150 ही लूँगा। कस्टमर जानता भी इस बात का कि भाई इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो कर नहीं सकता। अगर कल को तुम्हारे स्टोन है, ऑपरेशन कराने जाना है, डॉक्टर 20,000 रुपये मांगेगा, तो अब हाथ पैर जोड़ के 5,000 रुपये कम करा सकते हो, 15,000 रुपये लेगा। लेकिन ये बात तुमको भी पता है कि 15,000 रुपये फ्री का ले रहा है, लेकिन तुम कर नहीं सकते, तुमको उसको पैसा देना पड़ेगा, तुमको करवाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से ये लाइन अपना सर्विस का लाइन होता है। इस लाइन में आदमी पैसा देता ही देता है और आपको बस खाली अच्छा करके देना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे से जो भी सारे स्टूडेंट आएँ अच्छे तरीके से सीख करके जाएं। एक मेरे पास और भी आज
आज या कल के दिन है एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है, उनके पापा समझ लीजिए फादर हैं, रिक्शा चलाते हैं, बाहर मार्केट में रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा खड़ा करते हैं, उनको काम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनके अपने बेटे को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन कराया है। उनका बेटा एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान में काम करता था, 6 महीने हो गया काम करते करते, लेकिन वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पा रहा था, चाय पानी नाश्ता साफ़ सफाई दुनिया भर का यही काम करता रहता था। लेकिन जब से मेरे पास ज्वाइन किया हुआ है तो मात्र उसको 2 दिन हो गया, 2 दिन में समझ लीजिए उसने सबसे पहले यही बोला कि सर एक काम करो कि मेरे को चार्जिंग कनेक्टर लगाना सिखाओ। हम 6 महीना हो गए साला चार्जिंग कनेक्टर ही बस देखते रहते चार्जिंग कनेक्टर नहीं सीख पाए। तो आज मैंने समझ लिया, वो बच्चा जब मेरे पास आया तो हमने उसको चार्जिंग कनेक्टर के बारे में जब उसको लगाना सिखाया तो फिर उसने 2 बार 3 बार अपने मन से खुद लगाया, तो वो कह रहा है सर इसको लगाना कितना आसान है। जिस काम को हम 6 महीने तक यही उसके चक्कर में लगे रहे कि कहीं ना कहीं चार्जिंग कनेक्टर ही लगाना सीख जाएँ, लेकिन आज वो मेरे पास मात्र 2 दिन में चार्जिंग कनेक्टर अच्छे से लगाना सीख गया और अच्छे से काम करने लगा। यही बात मैं उससे कहना चाहता हूँ, या आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि लोग हमसे एक सवाल करते हैं कि सर ये बताइए लोग 6-6 महीने साल साल भर लगे रहते हैं, आप हमको 45 दिन में कैसे सिखा देंगे। तो हम उनके लिए एक बात कहना चाहते हैं, तुम 6 महीने नहीं, तुम 1 साल नहीं, तुम 10 साल लगे रहो, ज़िंदगी भर लगे रहो, लेकिन जब तक दोस्त तुमको कोई सिखाएगा नहीं तब तक तुमको कुछ काम नहीं आने वाला। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास जब आप आते हो तो हम आपको 45 दिन लगातार 8 घंटे 6 घंटे ट्रेनिंग ही देते हैं, सिखाते हैं। सिखाने के अलावा कोई और दूसरा दिमाग में कोई बात नहीं चलता। आप सुबह शाम तक सीखते हो, सीखने के अलावा कुछ सोचते हो नहीं सीखते, बस खाली मुसीबत से ये सोचते कि भाई आज हमारे कपड़े गंदे हैं तो कपड़े धो लेंगे कल फिर पहन लेंगे, खाना ये सोचते हैं, कपड़े धोने खाना खुद का धोना, बस इतना ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। बाकी दिन भर सीखना यही चलता रहता है। तो जब आदमी इस लेवल पर मेहनत करता है तो मुझे लगता है कि वो काम को जल्दी सीख जाता है और जल्दी कामयाबी को पकड़ता है। तो मेरे पास मात्र 45 दिन का टाइम रहता है, 45 दिन में आप पूरा कंप्लीट सीख जाएंगे। इसका सीखने का समथिंग आपको 15,000 से 20,000 रुपये अप्रॉक्स में खर्चा आता है। सीखने के दौरान जो भी सारा सामान है, टूल किट है, स्टडी मटेरियल है, वो सारा सब कुछ यहीं से मिलता है, और आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको फुल्ली तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।